So we are back with another video. Yes, we are back with top 3 real scary ghost clown videos captured by YouTubers in their camera. And ye video bhi hai by Scary Pills, jo humne recently kare Scary Pills ki bhai, they give you chills. Acha kuch logo na they have scary chills hona chahiye channel ka naam. Ha. But the thing is kuch logo na clown se bahut dar sa lagta hai. Ha, mujhe bhi dar lagta hai, lekin main tab bhi saath baith ke video bana raha hu. To let's begin with this video, dekhte hain video kaisi hai. Let's begin. अपनी हॉरर डोज को सेटिस्फाई करते रहने के लिए स्केरी पिल्स को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबाइए ताकि आप मेरी कोई भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना कर दो। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे ऐसी दिल दहला देने वाली स्केरी रियल लाइफ क्लाउन वीडियोस, जिसको देखने के बाद आप इन क्लाउन से भूतों से भी ज़्यादा डरने लगोगे। तो फिर आइए बिना किसी देरी के आज के हमारे इस हॉन्टेड सफ़र को शुरू करते हैं। आज की हमारी पहली वीडियो जे हिल्स नामक एक यूट्यूबर ने रिकॉर्ड करी थी, और जे हिल्स इस वीडियो के अंदर अपने एक दोस्त के साथ मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो अपने घर के पास मौजूद एक पार्क के अंदर कुछ गोप्रो कैमरास को ऑन करके रख देंगे। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें काफ़ी दिनों से शक था कि कोई क्लाउन शाम होने के बाद उस पार्क में आकर बिना मतलब के तोड़फोड़ कर देना शुरू कर देता था। और यहाँ तक तो कई लोकल लोगों का ये भी कहना था कि उनके बच्चों को एक भयानक सा दिखने वाला क्लाउन आकर काफ़ी ज़्यादा डराने लग जाता था, जिसके कारण से वो उस पार्क में जाने से भी डरने लग गए थे। खैर, जब जय अगले दिन उन GoPro कैमरा को वापस लेकर अपने घर पहुंच जाते हैं और उन फुटेज को रिव्यू करते हैं, तब उनको कुछ ऐसा खौफनाक नज़ारा भी देखने को मिलता है। This is mask. ये तो obviously mask in costume. कोई मजे ले रहा है यार. Come on. ये सर वो शैनसी friends वाली. हाँ हाँ. Sorry. Janice, not Shanice. हाँ, Janice. ओहो, मैं वो देखता ना मुंबई के निकल के ब्लॉग आजकल। ये तो पार्ट से ऐसे ही करते हैं। ये वहीं पे घूम रहा जहाँ पे कैमरा है भाई। अच्छा, इसे ये नहीं पता लग रहा GoPro के साथ लाइट नहीं होती, अलग से लाइट रखी हुई है ऊपर। ये भी सही है। इफेक्ट होगा कोई लंबे बालों वाला आगे बाल तेरे और वीडियो के अंदर वो क्लाउन काफी अजीब हरकतें करता हुआ दिखाई देता है। और सबसे हैरानी की बात तो ये है कि वो क्लाउन उन GoPro कैमरा को भी नोटिस कर लेता है, लेकिन उनको चुराता नहीं है। हालांकि वो क्लाउन उस पार्क में अक्सर आकर ऐसी अच्छा सोचो जस्ट हाइपोथेटिकली स्पीकिंग कि जिसने कैमरा रखा है वो ही आया क्लाउन बन के कि मैंने यहाँ रखा था कैमरा, मेरा भाई कैमरा रिस्क नहीं आ गया, कोई ले जाता तो भाई GoPro में ऐसे करता था। और कैमरा को देखकर भी वो उस जगह से भागा क्यों? मैंने रखा ना कैमरा, दूसरे कैमरे में रखूं क्या लगता है? झूठ है, झूठ। आज की हमारी दूसरी वीडियो स्ट्रॉमेडी नामक एक यूट्यूब चैनल ने पोस्ट करी थी, और इस वीडियो के अंदर स्ट्रॉमेडी एक टेम्पररी हाउस के अंदर अपने कुछ दोस्तों के साथ रुके हुए होते हैं, और फिर उसी दौरान उनके दोस्त उनको बुलाकर ये बताते हैं कि जिस घर में वो रुके हुए थे उस घर के स्विमिंग पूल के अंदर एक क्लाउन आ गया है। और इसी चीज़ की एक झलक भी वीडियो में करीब 1 मिनट और 25 सेकंड गुजर जाने के बाद स्ट्रॉमेडी अपने कैमरा में भी कैप्चर कर लेते हैं। स्ट्रॉमेडी और उनके दोस्त उस क्लाउन के सामने जाने से काफ़ी ज़्यादा डर रहे होते हैं, ये सोचकर कि शायद उसके पास कोई जानलेवा हथियार ना हो जो उन लोगों पर इस्तेमाल कर सके। इसलिए स्ट्रॉमेडी अपने ड्रोन को
छुपके से उसी घर की किसी विंडो के जरिए से बाहर निकाल कर उस क्लाउन की इंस्पेक्शन करने की कोशिश करने लगते हैं। और जब उनका ड्रोन हवा में होता है तब वो और उनके दोस्त ये भी नोटिस करते हैं कि बाकी सभी घरों के स्विमिंग पूल में कोई भी नहीं होता और सिर्फ उनके ही बैकयार्ड में उन्हें ऐसा नजारा देखने को मिला है। हालांकि जब वीडियो में 9 मिनट और 5 सेकंड का वक्त गुजर जाता है तब वो क्लाउन ड्रोमेडी के घर के मेन डोर के पास पहुंच जाता है और फिर उसके बाद हमें कुछ ऐसा नजारा भी देखने को मिलता है। Definitely trying to look for us right now. Yeah, he's be back. Prepared to lock this door. Be prepared to close it and lock it. Oh my god. What is he gonna do? Is he gonna push this? Dude, I have no idea. What the heck? Oh, wait. Yo, oh, yo, lock it, lock it, lock it. Oh my god, lock it, lock it. Yo, the clown's banging on the door. Oh my god, yo, that's it. Oh my god, yo, it's locked, it's locked. Yo, he's trying to get it. Yo, we gotta run out here. Get to the back. Yo, quick, quick, quick. Oh my god, yo. तो वो क्लाउन उनके घर के बैकयार्ड में क्यों घुस गया था और अंत में उस क्लाउन का असली मकसद क्या हो सकता है और क्या वो क्लाउन सच में कोई किलर क्लाउन ही था या फिर बस पागल व्यक्ति जो अपना रास्ता भटक गया हो। अपनी राय जरूर दीजिएगा। मेरी राय मिलती है भाई से सेकंड पॉइंट पे। आज की हमारी तीसरी वीडियो ट्रेंट नामक एक यूट्यूब चैनल ने कुछ समय पहले पोस्ट करी थी और इस वीडियो के अंदर जब ट्रेंट और उनके दोस्त एक लोकल पार्क में सैर करने के लिए गए होते हैं तब उनके कैमरा में कुछ ऐसा नज़ारा भी कैप्चर हो जाता है। लाश है क्या? हिल रही है लाश के पीछे। जिंदा लाश? It's like a bag or something. Hey, कैमरा सी तरफ है। What is that you grab? दिख नहीं रहा। Can you see his face? I can't see nothing, man. Like he got some type of white something. White makeup on. भाई थोड़ा ठंडा Man, you been hearing stuff lately about them clowns, man? वो कोई है. Hey man, what's that dragon, man? You know this stuff ain't funny, dude. ओह ये थोड़ा लग रहा है ना? Like a psycho one. Like dude, that's not funny. But man, I'm not even for real. I'm not with this, dude. Dude, you know that's not even funny for real, dude. Bob. Oh, dude, are you getting this, dude? We gonna see. Yeah. Oh, good. Dude, that's not funny, dude. For real. Hey. Oh, भाई पजामो उतार। Come on, man. Come on, man. Come on, वीडियो के अंदर हम देख सकते हैं कि वो दोनों दोस्त एक क्लाउन को एक पेड़ के साइड में नोटिस करते हैं और उसके पास जाना शुरू हो जाते हैं। इतने में ही वो ये भी देखते हैं कि वो क्लाउन किसी असली इंसान की बॉडी को भी घसीट रहा होता है और जब वो दोनों दोस्त उस क्लाउन से इस विषय में बात करने की कोशिश करते हैं और पूछताछ करने लगते हैं तब वो क्लाउन एक लंबी कुल्हाड़ी लेकर उनके पीछे भागने लग जाता है जिसको देखकर वो दोनों दोस्त भी काफी तेज भागने लगते हैं और उनका एक दोस्त पीछे ही रह जाता है लेकिन फॉर्चुनेटली उनका वो दोस्त भी उस क्लाउन के हाथों से छूटने में कामयाब हो जाता है और फिर वो दोनों तुरंत वहां से भाग भी जाते हैं। और वो इंसान जिसको वो क्लाउन घसीट रहा होता है क्या वो जिंदा था या नहीं? अपनी राय जरूर बताइएगा। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपकी आज की मैंने आर्टिकल पढ़ा था जो ये बंदा ना जिसके पीछे
जो मतलब थर्ड वीडियो में जिसका पजामा उतरा वो आज भी घूम रहा है पार्क में अपना पजामा ढूंढ रहा है अभी तक नहीं मिला उसको। मतलब यार लिटरली चाहता नहीं था कि कुछ, मैं चाहता था कुछ ऐसा मिले तड़कता भड़कता कि मतलब रूह कहाँ पे जाए सही में। और मतलब जिस हिसाब से इसका लग रहा था, हिसाब लग रहा था कि स्कैरी शेरी होगा, पर ये तो थोड़ी सी हेल्प कर दो यार कमेंट्स में ना, कोई ऐसा लिंक ढूंढ के निकाल के दो जिसकी हमारे जिस्ट देख के फटके 64 सी हो जाए मेरी, मतलब मजा आ जाए, थोड़ा सा मतलब ऐसा हो जाए कि वाह भाई नींद नहीं आ रही आज ऐसा कुछ। yes. ये देख के तो मुझे ऐसा लगा छोड़ो ये देख लो कॉमेडी वीडियोस देख लो भाई मजा, लेकिन मजा आया थोड़ा सा हटके हो गए भी कंटेंट। yes, मतलब अगर आपको ये भी देखने में मजा आया हो लेकिन हम ऐसा होने निकाला ये अनइंटेंशनल था, ये पजामा पजुमा वाले मुझे कहानी नहीं देखनी भाई। सी गाइस हम देख के वीडियोस तो निकाल नहीं सकते। yes. तो यू गाइस हेल्प अस की कुछ आपको पता है स्केरी कंटेंट है तो शेयर इट विद अस इन द डिस्क्रिप्शन और इन द कमेंट सेक्शन बिलो या फिर इंस्टाग्राम पे डिस्क्रिप्शन लिंक एंड वन लास्ट थिंग गाइस रिमेंबर वन थिंग यू हैव टू ग्राइंड टू शाइन टेक केयर बाय बाय।